हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी और जीके के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एसएससी जीडी के लिए 25-25 दोनों के क्वेश्चन हैं। 25 हिंदी के हैं, 25 जीएस के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हिंदी की बात करते हैं हम, 25 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या होगा? चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। बी इसका सही आंसर है, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां है, सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन है, सच होना, कुछ सच झूठ कहना, मूर्ता असत्य और शिष्ट। देखिए सफ़ेद झूठ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णता असत्य। ठीक है, सफ़ेद झूठ का अर्थ है पूर्णता असत्य। अगला 28वां क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पत्थर की लकीर होना यानी कि अमिट होना। अब जैसे पत्थर की लकीर है, पत्थर है, पत्थर पे कोई लकीर खिंच जाती है तो समझो वो मिटती नहीं है कभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिट होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं विलोम शब्द। 29 से 31 तक विलोम शब्द हैं। तो है प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राचीन का होगा अर्वाचीन। ठीक है, प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होगा विलोम शब्द? तो कृतज्ञ का होगा कृतघ्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृतघ्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। तो 31वां है कृतम का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतम का क्या होगा? कृतम का होगा प्राकृतिक। पहला आंसर सही है प्राकृतिक। ठीक है, कृतम का होगा प्राकृतिक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम पर्यायवाची पर। पर्यायवाची है ज्योत्सना का पर्यायवाची हमको बताना है, ज्योत्सना का क्या होगा? तो ज्योत्सना का होगा चांदनी। ठीक है, ज्योत्सना का पर्यायवाची होगा चांदनी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 33वां पर, अग्नि का पर्यायवाची को क्या होगा? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, अनल और अनिल, इनमें हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, अनिल और अनिल में, अनिल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अग्नि का होता है अनल और अनिल होता है हवा का, अनिल होता है हवा का। आगे बढ़ते हैं यथार्थ का पर्यायवाची क्या होगा? तो यथार्थ का होगा वास्तविकता। ठीक है, यथार्थ का होगा वास्तविकता। आगे बढ़ते हैं, हमको शुद्ध वर्तनी छांटनी है, तो शुद्ध वर्तनी छांटिए, तो इसमें है आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। इसमें सही क्या होगा? देख रहे हैं आप लोग, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आशीर्वाद आशीर्वाद होता है। ठीक है, अगला है 36वां क्वेश्चन देखना है, इसमें ऐतिहासिक देखना है सही, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा लिखा जाता है ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको इसमें रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है। ये लिखा है, यदि चादर के बाहर खाली स्थान परोसोगे पसारोगे तो पछताओगे। अब क्या पसारोगे? हाथ पसारोगे कि बाजू पसारोगे कि टांग पसारोगे कि पैर पसारोगे? तो इसका सही बैठता है पैर, यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्त स्थान भरना था इसमें। अगला है हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छांटना है। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे? सधवा। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे कहेंगे विधवा। लेकिन पूछा है जीवित हो, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सधवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसका सही आंसर होगा अकिंचन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। ठीक है, अगला है अनुचित व्यय करने वाला, अनुचित व्यय करने वाला क्या हो जाएगा? तो अनुचित व्यय करने वाला हो जाएगा अपव्ययी, अनुचित व्यय करने वाला हो जाएगा अपव्ययी। आगे बढ़ते हैं 41 से 45 तक क्वेश्चन, हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 41वां है, ए है सोहन नित्य दंड मारता है, सोहन नित्य दंड करता है, सोहन नित्य दंड पेलता है और सोहन नित्य दंड को मारता है। इसका सही क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सोहन नित्य दंड करता है। ठीक है भाई, मारता है पेलता है तो सब सही वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोहन नित्य दंड करता है। आगे देखते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। तो 42वें में छांटना है, ये है मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। तो देखिए सबसे भी लगा है और उत्कृष्टतम लगा है, तो ये दोनों साथ साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वोच्च उसके साथ में सबसे नहीं लग सकता है। अगला है मानव ईश्वर की सबसे सर्वोच्च, तो सर्वोच्च भी वही बात है उत्तम। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, उत्तम कृति है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सी सही हो जाएगा, मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। ठीक है, 42 का हो जाएगा सी। 43वें में देख लेते हैं, फिलहाल मैं वह मुंबई गया,
हाल में वह मुंबई गया, हाल वह मुंबई गया, फिलहाल ही में वह मुंबई गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में, हाल में वह मुंबई गया। ठीक है, हाल ही में होता या तो यहाँ पर सही नहीं है लिखा है, फिलहाल में यह मुंबई गया, ये तो सही नहीं लिखा है, फिलहाल में वह मुंबई गया, हाल वह मुंबई गया। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, हाल में वह मुंबई गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। तो 44वें में छांटना है, वह रविवार के दिन बाजार गया, वह रविवार बाजार गया, वह रविवार को बाजार गया, वह रविवार को बाजार गया। इसका ये तो सही होगा नहीं, वह रविवार बाजार गया, इस ये भी गलत है, वह रविवार को बाजार गया, वह रविवार के दिन बाजार गया। बताइए इसमें से क्या होगा। तो भाई रविवार को तो बता रहे हैं, दिन की क्या ज़रूरत है। ठीक है, कभी भी बाजार जा सकता है, तो वह रविवार को बाजार गया, डी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। तो 45वां है, देश के गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। सही नहीं है सेंटेंस, मतलब नाए माए उल्टा सीधा है। देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, ये भी सही नहीं है। देश के राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, हो सकता है थोड़ा सही, और गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। आगे है 46 से 50 में क्वेश्चन तक, निम्नलिखित गद्यांश में उचित शब्दों का चयन करना है। ठीक है, गद्यांश दिया गया है, उसमें जो खाली स्थान है उनको हमको भरना है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश खाली स्थान से उत्प्रेरित हो। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं दुख, प्यार, प्रेम, भाव। तो किससे उत्प्रेरित हो, तो वो किससे उत्प्रेरित हो, तो स्वदेश। तो एक बार और पढ़ते हैं, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से उत्प्रेरित हो। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, प्रेम भर जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रत्येक खाली स्थान को अपने वतन से प्रेम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इनमें ऑप्शन है देशवासी, महिला, बच्चा, पुरुष। तो किसे होगा, पूरे देशवासियों को होगा ना, सॉरी वो थोड़ा, हाँ चलिए। तो प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। ठीक है, तो प्रत्येक देशवासियों को अपने वतन से प्रेम होता है। आगे पढ़ते हैं, देश प्रेम के लिए किसी खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। हाँ, तो देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आकर्षण आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या भरेगा, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ये ऑप्शन है, तो प्रेम, भाव, ममता, क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव ही नहीं बल्कि पशु खाली स्थान तक को अपने देश प्यारा होता है। तो मानव ही नहीं बल्कि पशु और पक्षी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो को अपना देश प्यारा होता है। ये हमारे 50 क्वेश्चन इसके हिंदी के हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं जीएस के। चलिए तो बढ़ते हैं, सामान्य जानकारी, समसामयिक। ठीक है, तो 51वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कब की गई। तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को की गई। कहाँ पर की गई, राजस्थान के नागौर ज़िले में की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले लागू की गई नागौर ज़िले में, राजस्थान के। आगे देखते हैं, 52वां क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो इस किस द्वीप पर है, ग्रीनलैंड, क्यूंसो, होसु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूंसु। ठीक है, टोक्यो क्यूंसु द्वीप पर स्थित है। अगला है, हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक कोयला के लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग। चलिए आगे देखते हैं, 54वां क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर किसको कहा जाता था। सूफी परंपरा में पीर कहा जाता था सूफियों के गुरु को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूफियों के गुरु को। आगे देखते हैं, 55वां क्वेश्चन,
हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार। चार व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला है? इस बार तीन व्यक्तियों को, ठीक है, तीन व्यक्तियों को, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और एक और हैं, हाँ, भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका, थोड़ा याद नहीं आ रहा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो भैया बताइए आप लोग, इसके आगे ऑप्शन देखते, तो बाबर का शव दफनाया गया था काबुल में, ठीक है, काबुल में। अगला 57वां क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति सही है, बिल्कुल सही है, एकल संक्रमणीय ये भी सही है, अप्रत्यक्ष ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों अपनाई जाती हैं, सभी अपनाई जाती हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आगे देखते हैं, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, CBI के नए निदेशक कौन चुने गए हैं? तो CBI के नए निदेशक चुने गए हैं ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋषि कुमार। आगे देखते हैं, 61वां क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो जिंक प्लस कॉपर की मिश्र धातु है पीतल, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है, अब्राहम लिंकन का है। आगे बढ़ते हैं, 64वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है और प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है, तो यह सही है इसका, सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में इन्होंने उल्लेख किया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगले देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब, एकल खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का एकल खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, ठीक है, और पुरुषों का खिताब किसने जीता है? तो जोकोविच ने जीता है, ठीक है, नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नंबर वन खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, मुद्रा स्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रा स्फीति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, और मुद्रा का, वस्तु के मूल्य बढ़े तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है, गिर जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा स्फीति का अर्थ होता है वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। आगे बढ़ते हैं, 67वें क्वेश्चन की तरफ, 67वां क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 68वें क्वेश्चन की तरफ, तो 68वां क्वेश्चन है, लौंग होता है तो एक फल, बीज, बर्फी, कलिका, शुष्क पुष्प कलिका, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शुष्क पुष्प कलिका, ठीक है, लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार को कब शुरुआत किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ है 1961 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1961 में। आगे बढ़ते हैं, 70वें क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? देखिए, प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था 2014 या 2015 में मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 71वें क्वेश्चन की तरफ, तो 71वां क्वेश्चन है, द नाम सेफ किसकी पुस्तक है, के लेखक कौन है? तो ये हैं झुंपा लाहिड़ी द नाम सेफ के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, 72वां क्वेश्चन है, दो बड़े समूहों को जोड़ने वाले संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो दो बड़े समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को कहते हैं भूसंधि, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जलट मरुमट किसे कहते हैं? तो दो, मतलब जल की धाराओं को जोड़ने वाले को जलट मरुमट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 73वें क्वेश्चन की तरफ, तो 73वां क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है। आगे बढ़ते हैं,
तो चलिए 74वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान संशोधन 42 के द्वारा, यह 1976 में आया, यह किस अनुच्छेद में है? संविधान मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में है, ठीक है, 51A में है, और भाग कौन से हैं? भाग 4 में है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 75वां, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स में, ठीक है, लियोन्स में इसका मुख्यालय है। दोस्तों हमारे पूरे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, 25 हिंदी के, 25 GS के। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।